फिर आप लोग अपना आंगन में ब्लीचिंग लगा के कुछ देर छोड़ देंगे जब तक धूप लगेगा। उसका कुछ देर बाद इसको झाड़ू से या फिर कुछ लेके घस देने से ये चला जाता है। तो कुछ देर मैं लगा के रख दी हूँ धूप लगने के लिए, तो लग जाएगा। उसके बाद मैं देखिएगा कितना अच्छा क्लीन हो जाता है, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए थोड़ा देर बाद मैं इसको क्लीन करूंगी। गुड मॉर्निंग बाबू, बाबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। उठो 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 उठो, सुबह 9 बजने वाला है अभी तक बाबू नहीं उठा, उठ जा। नहीं उठोगे? नहीं। उठ जाओ जल्दी। नहीं। उठो 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 उठो। नहीं। देखिए आज का नाश्ता में बना है तड़का और रोटी, और यही है आज हम लोग का नाश्ता। और देखिए मैं बड़ा बाटी में इसलिए ले रही हूँ, मैं एक बड़ी सबको निकाल के जाके वहाँ पे दे दूँगी प्लेट में, और मैं निकाल के लेके जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग नाश्ता करें। और देखिए मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो बेड मिलाएगा, खुद मिला रहा है। देखिए देखिए वो मेरा हेल्प कर रहा है, बोल रहे हैं ओ माँ का हेल्प कर रहे हो आप। अरे बाप रे बाप, चलिए मैं बेड मिला लेती हूँ पहले। Thank you.
और देखिए कितना क्लीन हो चुका है, पूरा व्हाइट हो चुका है। ये देखिए ऊपर नीचे सब पूरा व्हाइट हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता चौधरी, रक्षित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए काम करते करते मेरा बहुत लेट हो चुका है, 12 बज के अभी तक लंच है कोई आता पता नहीं। तो चलिए मैं बिना शेयर किए मैं झटपट से पहले लंच बना ली, तो उसके बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं क्या बनाई हूँ लंच। चलिए झट से चलते हुए चलिए और झटपट से बनाती हूँ लंच। और ये देखिए ये बना है चिकन करी और चावल बने, और कुछ भी नहीं बनाई हूँ। लगभग सारे काम हो चुके हैं, लंच वगैरह भी सब हो चुका है। लंच पे आप लोगों को दिखाया मैंने, मैं चिकन करी और चावल बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। इतना काम था, देखिए मैं हेयर जो वॉश किया था उसका टॉवल भी खोलने का मुझे समय नहीं मिला। उसका टॉवल भी हेयर जो वॉश किया था उसका टॉवल जो मैं खोलूँगी उसका भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं खोल दूँ। अब भी मैं काम करके थोड़ा फ्री हुई हूँ। रक्षित कप का सो चुका है और हम लोग यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऊपर से संडे, इतना बिजी डे और ऊपर से लाइट नहीं है, तो सोचिए कितना सारा काम, अगर पानी नहीं रहे तो कितना सारा काम अटका हुआ रहता है। जितना टेंकी में पानी था हम लोग नहाए, सब घर का काम छोटा मोटा जो पानी से तो हर काम ही होता है, हर काम किए, बट बर्तन वगैरह जो घर और आंगन उंगन जो साफ सुथरा करेंगे थोड़ा पानी वगैरह डालते हैं, डालोगे सब बर्तन तो धोएंगे वो थोड़ा भी पानी नहीं देंगे तो पानी सब खत्म हो चुका है। तो सब काम वैसे ही पड़ा था, सिर्फ खाना पीना खा के बैठे हुए थे। तो चलिए अब दिखाते हैं, हम रक्षित सो गया है और एकदम थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट शाम। मैं रक्षित को थोड़ा बाहर लेके जा रही हूँ, थोड़ा बाहर चलाएगा रक्षित साइकिल, तो चलिए रक्षित को थोड़ा साइकिल चलाता है, हम भी उसके साथ जाते हैं क्योंकि रोड है तो गाड़ी वगैरह तो आते रहता है, तो भी उसका शाम का थोड़ा हर दिन कभी साइकिल लेके जाता है कभी ये गाड़ी लेके जाता है, तो शाम को टहलने जाता है थोड़ा, तो हर दिन मैं भी उसको लेके जाता हूँ। चलिए चलते हैं और बाहर जा रही हूँ इसीलिए घूम कर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।